हरे कृष्ण भक्तों, हर हर शंभु। कैसे हो आप सभी? जैसे कि आप देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा, भागवत कथा सुनते हो, उनको फॉलो करते हो, उनसे बहुत बहुत प्यार करते हो, गुरुदेव से। सभी भक्त गुरुदेव भी अपने शिष्यों से, अपने भक्तों से, अपनों से, जुड़ों से और बाहर कथा पिंडाल में जो भी आते हैं या आस्था चैनल पर जो भी जुड़े हैं, सभी के लिए रोज़ गुरुदेव हमारे ज्ञान का, सनातन धर्म का और हमारे संस्कृत का प्रचार करते हैं, ज्ञान देते हैं। गुरु सबसे बड़े वही हैं जो हमारे जीवन जीना सिखा दें, परमात्मा का सही मार्ग बता दें और परमात्मा से अटैचमेंट करा दें। महासंत, महागुरु वही हैं जो हमें गंदगी हमारे बाहर निकाल कर परमात्मा के लिए प्रेम, श्रद्धा, भाव और सरल बना दे हमें। हम कैसे गंदगी में पड़े होते हैं संसार में, इस संसार में रहते रहते हम पे बहुत सारी गंदगियाँ हो जाती हैं, गंदे विचार आना, किसी के लिए क्रोध आना, किसी के लिए हिंसा आना और गलत सोचना, ये मन हमें उस चीज़ की ओर ले जाता है जो हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में हो जाती हैं, हम जाकर भी किसी को नहीं बता सकते। जी हाँ, सतगुरु परम ज्ञान देकर हमारे चंचल मन को शांत करते हैं, हमारी आत्मा को निखारते हैं, हमारे अंदर की गंदगी को बाहर निकालते हैं। और बाहर जब हमारी गंदगी निकल जाती है तभी परमात्मा की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है, जो हर किसी मनुष्य को, हर किसी को प्राप्त नहीं होती। तो सनातन धर्म को पे विश्वास करने वाले भक्त, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले भक्त, ये रोज़ाना इस जीवन में इस कार्ड को बांध के रखें। उसमें कहते हैं बहुत समय अहंकार आ जाता है, लेकिन अहंकार आता क्यों है ये भी आप जानें, लेकिन अहंकार को तोड़ना कैसे है हमेशा ध्यान रखें इस बात का। कभी भी एक बार हमारे भगवान कृष्ण ने दो एक व्यक्ति से पूछा, एक कमरे में भेजा जिस कमरे में एक दीवार थी, दीवार पे कुछ लिखा हुआ था, तो उस व्यक्ति ने पढ़ा तो उसने बोला ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जो खुशी में दुख हो जाएगा और दुख में खुश हो जाएगा। एक अक्षर था और दोनों जिंदगी का, यानी कि दोनों सॉल्यूशंस का हल था वो। तो भगवान कृष्ण ने इस दीवार पर लिखा था कि अगर तेरे पास खुशियां हैं, अमीर है, पैसा है, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य आराम है, तो इस दीवार पर जो लिखा है उसको पढ़ेगा तो तू दुखी हो जाएगा। और तेरे पास दुख है, बहुत ज़्यादा दरिद्रता है, बहुत ज़्यादा दुखी है, टूटा हुआ है, तो तू उस दीवार पर जो लिखा है वो पढ़ेगा तो खुश हो जाएगा। तो उस दीवार पर लिखा था सबसे मेन पॉइंट की बात कि जैसा भी समय है गुजर जाएगा, तो खुशियाँ आए तो घमंड नहीं करना है, दुख आए तो टूटना नहीं है किसी हालत में भी। तो ये तो एक बात को ज़िंदगी में रख लोगे तो कभी भी हमेशा आप जीवन जीना सीख जाओगे, हर मुसीबत से लड़ना सीख जाओगे। तो हमें सतगुरु यही परम ज्ञान देते हैं, श्रीमद् भागवत कथा में जो बातें लिखी हैं, गीता में बातें लिखी हैं, हमारे जीवन में हर चीज़ का समाधान है उसमें। तो अगर गुरुदेव को फॉलो करते हो, उनका कीर्तन अच्छा लगता है, उनकी भागवत अच्छी लगती है, ये अच्छे लगते हैं, इनका प्रचार अच्छा लगता है, प्यारे प्यारे कमेंट कर दे गुरुदेव।